नमस्कार दोस्तों, आरके बाइक पॉइंट से फिर से स्वागत है। ये KTM RC 200 है। इस गाड़ी पे एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देता है। हर गाड़ी पे लगभग 80% गाड़ी में एक प्रॉब्लम आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। उससे पहले इसका जो एक ट्रिक भी बताएंगे वो थोड़ा ध्यान करने का। एक्चुअली बात क्या है ना, इसका जो ये है ऑक्सीजन सेंसर, ये ऑक्सीजन सेंसर का जो कपलर कैसे फिक्स किया जाता है और ओपन किया कैसे जाता है, तो जस्ट ये हरा कलर का जो सॉकेट है जस्ट ऐसे लगाने का, बस ये लाल कलर का जो पुशा पुश करने का वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो इसको खोलने के भी ऐसे पेशकश से मदद से जस्ट उसको खींचने का, हाथ से निकालने से आ जाता है लेकिन ये निकल नहीं रहा है, तो दोबारा हमने और एक बार भी पेशकश से मदद से ज़्यादा पूरा खोल लेंगे तो इसके बाद हटाया जाता है। तो दोबारा हमने रिपीट कर रहा हूँ, पैसे जस्ट लगाने का, ऐसे जस्ट लगाने का और ज़्यादा प्रेस करने का नहीं, यही सिर्फ ये को प्रेस करना, लाल वाला जो लॉक है उसको प्रेस करना तो ऑटोमेटिक अंदर घुस जाए। सेम टू सेम ऐसे रॉयल एनफील्ड का जो RR यूनिट होता है उसका कपलर भी वैसे ही है, तो सेम ट्रिक है। तो रॉयल एनफील्ड का RR यूनिट का जो कपलर और इसका ऑक्सीजन सेंसर का जो कपलर सेम टू सेम है। अभी मुद्दा क्या है ना, ये गाड़ी का जो प्रॉब्लम्स का वजह से हमने ये ऑक्सीजन सेंसर खोला था, इसको क्लीन किया और हीट सेंसर है इसका वो भी निकाला था। तो अभी हम ऑक्सीजन सेंसर का बारे में दिखा रहा हूँ, तो ऑक्सीजन सेंसर का बारे में बता रहा हूँ। ये ऑक्सीजन सेंसर को क्लीन करने के लिए निकाला था। एक्चुअल प्रॉब्लम था जब ये पॉल्यूशन टेस्टिंग के गया था, तब क्या ना धुआं पे कार्बन मोनोऑक्साइड का परिमाण थोड़ा ज़्यादा था। तभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड का परिमाण कब ज़्यादा आता है, जब क्या है ना फ्यूल पूरी तरीके से जलता नहीं, तभी क्या है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का परिमाण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तभी अब इसका मतलब निकलता है जब एयर फ्यूल मिक्सर पे क्या है ना उसमें ऑक्सीजन का परिमाण कमती होता है, तो ये ऑक्सीजन परिमाण कैसे ज़्यादा होगा कमती होगा इसको कंट्रोल करता है ऑक्सीजन सेंसर। तब ये क्या है ना कभी कभी ये एक्सोस्ट में लगता है, एक्सोस्ट में कार्बन जमता है, तो ये ऑक्सीजन सेंसर का जो माउथ पोजीशन है ये माउथ पोजीशन पे कार्बन से ब्लॉक हो जा गया, तो ये ऑक्सीजन कितना परिमाण देने का कितना परिमाण लेने का ये इश्यू को सही इन्फॉर्मेशन जो सही सिग्नल भेजने का वो भेज नहीं पाता है। तभी क्या ना कभी कभी इसको निकाल के क्लीन करने का बाद ही क्या ना इश्यू को सही सिग्नल भेजेंगे, तभी इश्यू ऑक्सीजन का जो रेशियो उसको सही कंट्रोल कर पाएंगे। ये ऑक्सीजन सेंसर को क्लीन करके फिक्स करने का बाद उसके बाद क्या ना ऑक्सीजन का परिमाण भी सही हो गया, और इसको जब पॉल्यूशन टेस्टिंग पे लेके गया गाड़ी को, तब ये पॉल्यूशन टेस्टिंग पे इसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड का परिमाण भी सही था और ये भी टेस्ट पास भी हो गया। तो दोस्तों कभी कभी ये गाड़ी भी मिसिंग कंप्लेंट भी करता था, कभी कभी ये इसका काट ऑफ भी होता था, रनिंग पे ऑफ हो जाता था। तो तब से जब हमने ये इसको क्लीन करके फिक्स करने का बाद ही इसका जो प्रॉब्लम वो जो मिसिंग का प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो गया। तभी इसे KTM का 80% गाड़ी पे ऐसे ही कंप्लेंट दिखाई देता है, कभी कभी मिसिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको जस्ट ये जो ऑक्सीजन सेंसर को खोल के जस्ट क्लीन करने से वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये हमने हमारे हाथ में 2-3 बार मिला है, तो इसलिए हमने ये वीडियो को बनाया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा हमको कॉमेंट पे बताइए, और ऐसे ही हमने ऐसे छोटा छोटा ट्रिक जो नया गाड़ी का जो अपडेट्स ऐसे ट्रिक डालता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो जाए तो हम लोग को हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो शेयर कर सकूं। और आपको थोड़ा भी इसमें हेल्पफुल हो जाए तो आपने अपने आपका दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो और हमारा चैनल RK बाइक पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद, नमस्कार।